वट सावित्री बेसिकली अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, और इन ये पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है। ये मिथिला का पर्व है, और इस पर्व महिलाएं वट सावित्री के दिन पंखा से अपने पति के लिए वट सावित्री में पूजा करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। और इस दिन फास्ट भी किया जाता है, पूरे दिन फल पे रहती हैं पूजा करने के बाद, और इसके अगले दिन पारण करती हैं। रक्षा सूत्र, रक्षा से ही पता चलता है कि ये रक्षा के लिए होता है, तो रक्षा सूत्र का मतलब ही होता है कि पति की रक्षा करने के लिए। इसमें 11, 7 या इससे भी ज़्यादा, जिसका 108, जिसका जितना होता है उतना लोग घूमते हैं और पति की आयु के लिए, रक्षा के लिए कामना करते हैं। वट सावित्री का व्रत जो है अपने पति के सौभाग्य के दीर्घायु के लिए यह किया जाता है। सभी स्त्रियां जो है ये अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो है यह सभी व्रत करती हैं अपने पति के सौभाग्य दीर्घायु के लिए। नहीं, निर्जला व्रत नहीं होता, व्रत करने के बाद अपना भोजन ग्रहण कर सकती है। पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, वो स्वस्थ रहे और हमारे साथ लंबे समय तक रहे, इसलिए हम लोग अपने पति के सुरक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या के किया जाता है। रक्षा सूत्र हम लोग अपने पति की सुरक्षा के लिए करते हैं, वो जितना लंबा जिए वो हमारे लिए अच्छा होगा। इसमें परिक्रमा भी करते हुए बांधती है, कितनी बार परिक्रमा ये करती हैं? 11 बार करते हैं, सबका अलग अलग होता है, जिसका जितना मन हो वो कर सकते हैं। 11, 21, 111 ये भी कर सकते हैं। बर का पत्ता भी आप लोग बालों में लगाते हैं? वो बर का पूजा किया जाता है, इसलिए उसका बाल में हम लोग लगाते हैं।